हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस, आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का गेम प्ले यार बहुत ही ज्यादा मजेदार एंड खतरनाक होने वाली है, क्योंकि सामने आप लोग भाई रैम देख ही सकते हो, आज का रैम बॉयज कितना ज्यादा खतरनाक होने वाली है। क्योंकि आज हम लोग भाई यहाँ पर वुडन टनल चैलेंज करने वाले हैं। गाइस यहाँ पर हम लोगों का जो वुडन टनल है ना भाई, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि देखो इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन गाइस हम लोग को रोल अप करते करते जाना पड़ेगा। देखो क्योंकि इधर पे देखो अगर हम लोग जाएंगे तो गिर सकते हैं, तो हम लोग को एकदम कंट्रोल पे लेके चलना है, ऊपर से इधर तक आना पड़ेगा। तो बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाली है। एंड उसके बाद हम लोगों के साथ जो सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है वो है हम लोगों का ये वाला ट्रक को ले जाना भाई, क्योंकि देखो ट्रक वगैरह भाई बहुत ज्यादा लंबा होता है, सबको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। बाइक वगैरह भी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अपना सुपर स्प्लेंडर है, रॉयल एनफील्ड है, एक्टिवा है, KTM है, R15 है, ड्यूक है, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना निंजा ZX6R है, देन यहाँ पर बहुत सारा गाड़ी है। एंड यहाँ पर हम लोगों का कार्स वगैरह का लाइनअप भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत देख रही है। फिलहाल हम लोग लेके गए इंडिया की तरफ से कोई एक गाड़ी। गाइस सबसे पहले अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से अपना महिंद्रा स्कॉर्पियो S11। तो गाइस फटाफट अपना महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 को ले चलते हैं भाई लोग, देख लेते हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो S11 कैसा परफॉर्म करवाता है। ओ वो 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 ओ खतरनाक भाई 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 भाई, ओ लिटरली भाई। एंड फाइनली बॉयज ओके है भाई साहब, यहाँ फाइनली अपना महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 विनर लिस्ट पे आ चुका है, बहुत ही सही परफॉर्म किया। एंड ओके फाइनली 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 यहाँ पर अपना स्कॉर्पियो ने कर दिखाया 1 पॉइंट, एंड इंडिया का हो चुका 1 पॉइंट। फिलहाल लेते हैं अपना नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान के तरफ से टोयोटा फॉर्चूनर 2017 मॉडल है भाई, देख लेते हैं यहाँ पर टोयोटा फॉर्चूनर का परफॉर्मेंस। फिलहाल फुल पावर ओके ओके ओके, ओ भाई 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 ज्यादा हम लोगों को ऊपर की तरफ नहीं जाना है। एंड फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना टोयोटा फॉर्चूनर ने भी कर दिखाया। एंड फाइनली बॉयज यहाँ पर पाकिस्तान का भी हो चुका है अभी जाके 1 पॉइंट। तो गाइस मैं फटाफट इस गाड़ी को भी अभी कर देता हूँ भाई लोग इधर पे पार्क, दोनों कंट्री का हो चुका 1 1 पॉइंट। तो अभी लेते हैं अपना नेक्स्ट को इंडियन कार। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे इंडिया की तरफ से भाई अपना बाइक, जो कि अपने पास है भाई हीरो सुपर स्प्लेंडर। एंड भाई बाइक वगैरह को लेकर ईजी है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा भाई ऐसे ऐसे कर देंगे तो ही भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस स्मूथ तरीके से गाइस क्रॉस करना है। एंड फाइनली बॉयज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अपना कौन सा गाड़ी है भाई, ये अपना हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक विनर लिस्ट पे आ चुका है। एंड फाइनली इंडिया का गाइस हो चुका है 2 पॉइंट, तो इसको भी रखते हैं भाई लोग, लेते हैं अपना नेक्स्ट भाई पाकिस्तानी बाइक। ऑलराइट तो बॉयज पाकिस्तान की तरफ से अभी हम लोग लेके चल रहे हैं CVR 1000 फायर। ओ कुछ तो हुआ भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, भाई पहले से ही कुछ हुआ था भाई, आप लोगों ने देखा यार, मतलब जब गाड़ी को हम लोगों ने स्टार्ट करा उसी टाइम से भाई गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हुआ था। खैर यहाँ पर अपना CVR 1000 फायर ब्लेड गाइज हो चुका है फेल, तो गाइज अभी लेते हैं भाई अपना नेक्स्ट कोई गाड़ी। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से अपना महिंद्रा स्कॉर्पियो N2022 मॉडल। तो बॉयज अभी देख लेते हैं स्कॉर्पियो N का परफॉर्मेंस एक बार कैसा रहता है। यहाँ पर फुल पावर आप लोग देख सकते हो, गाड़ी कोई भी दिक्कत नहीं कर रहा है, एकदम स्मूथ जा रही है। एंड फाइनली बॉयज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्कॉर्पियो N भी विनर लिस्ट पे आ चुका है भाई, क्या खतरनाक बॉला क्रैश हुआ है, आप लोग देख सकते हो गाड़ी का पूरा अंजर पंजर ढीला हो चुका है। फिलहाल इसको भी भाई लोग कर देते इधर पे पार्क, वैसे भाई इंडिया का हो चुका है अभी जाके 3 पॉइंट, लेते भाई अपना नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से गाइस पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कार, जो कि अपने पास है अल्फा रोमियो। तो बॉयज अल्फा रोमियो का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्या लगता है आप लोगों को अल्फा रोमियो का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा भाई, बहुत ही खतरनाक यार। यहाँ पर नो डाउट गाड़ी ने बहुत ही सही परफॉर्म किया। एंड फाइनली गाइज यहाँ पर पाकिस्तान का भी हो चुका है अभी जाके 2 पॉइंट, तो गाइज मैं फटाफट इस गाड़ी को भी अभी कर देता हूँ भाई लोग इधर पे पार्क, एंड लेता हूँ गाइज अपना नेक्स्ट गाड़ी। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से अपना रॉयल एनफील्ड। तो बॉयज देख लेते हैं इंडियन रॉयल एनफील्ड का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। फुल पावर गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस भाई एकदम एंड पॉइंट तक सही तरीके से विनर लिस्ट तक आना है। एंड बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से आप लोग देख सकते हो भाई, लगा नहीं था भाई इतना भी खतरनाक तरीके से विनर लिस्ट पे आ जाएगा, लेकिन नहीं चलो यार बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस किया इसने भी। वैसे इंडिया का गाइस अभी जाके हो चुका है 4 पॉइंट, लेते हैं भाई नेक्स्ट गाड़ी। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे पाकिस्तान की तरफ से गाइस एक पाकिस्तानी बाइक, तो देख लेते हैं भाई पाकिस्तानी बाइक का परफॉर्मेंस भाई। फुल पावर भाई 267 के स्पीड पे गाड़ी जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड हैंड ब्रेक भाई सब ब्रेकिंग बहुत ही खतरनाक है। एंड फाइनली आप लोग देख सकते हो बॉयज यहाँ पर अपना ये वाला बाइक भी विनर लिस्ट पा चुका है। एंड पाकिस्तान का अभी जाके फाइनल पॉइंट 3 हो चुका है, वैसे इंडिया का ऑलरेडी 4 पॉइंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी वापस लेते भाई अपना नेक्स्ट इंडियन गाड़ी।
ऑलराइट, तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे इंडिया की तरफ से बॉयज अपना महिंद्रा XUV 700। तो बॉयज एक बार देख लेते XUV 700 का भी परफॉर्मेंस, फुल पावर भाई साहब। XUV 700 अपना जा रही है भाई, एकदम बराबर जा रही है। एंड फाइनली बॉयज, फाइनली 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 यहाँ पर अपना XUV 700 भी विनर लिस्ट पे आ चुका है एंड अपना इंडिया का हो चुका है 5 पॉइंट। तो इसको भी रखते भाई लोग एंड लेते अपना नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। ऑलराइट, तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी मोस्ट डिमांडेबल गाड़ी, जो कि अपने पास है बॉयज यहाँ पर टोयोटा लैंड क्रूजर V8 इंजन के साथ आता है अपना लैंड क्रूजर एंड फुल पावर। वो फाइनली भाई, रुक, ओ गया भाई एक तरफ पूरा, भाई बंपर खोल गया यार पीछे का बंपर खोल गया। एंड फाइनली बॉयज यहाँ पर अपना गाड़ी विनर लिस्ट पे आ चुका है एंड पाकिस्तान का भी हो चुका है 4 पॉइंट। तो लेते भाई अपना नेक्स्ट गाड़ी। ऑलराइट, तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया के तरफ से भाई साहब अपना R15 वर्जन 3 को। तो भाई फटाफट अपना R15 वर्जन 3 को भी ले चलते हैं, देख लेते यहाँ पर R15 का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। फुल पावर गाइस यहाँ पर अपना R15 वर्जन 3, नो डाउट भाई बहुत ही सुंदर परफॉर्म किया। एंड फाइनली बॉयज यहाँ पर वर्जन 3 भी विनर लिस्ट पे आ चुका है एंड इंडिया का अभी जाके कितना पॉइंट हो गया भाई, इंडिया का अभी जाके पॉइंट हो चुका है यहाँ पर बाइक में 3 पॉइंट एंड कार्स वगैरह को लेके भाई यहाँ पर 6 पॉइंट तो हो ही चुका है। तो इसको भी इधर पे रख ही देते भाई लोग एंड लेते अपना नेक्स्ट कोई गाड़ी। ऑलराइट, तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से गाइस पाकिस्तानी स्कूटी एंड भाई साहब क्या पावर है भाई, देखो भाई वो भाई वो खतरनाक, अरे बाप रे बाप भाई क्या परफॉर्म है ये। ओ भाई स्टॉपी एंड बॉयज फाइनली आप लोग देख सकते हो, ओ भाई व्हीली भाई लेट्स गो ओ वो भाई गाड़ी मुड़ नहीं रहा, खतरनाक 300 की स्पीड में भाई ब्रेक लगा ले भाई, क्या ब्रेकिंग है यार। यहाँ पर आप लोग व्हीली देखोगे, ये लो एंड फाइनली गाइस ये गाड़ी हम लोगों का विनर लिस्ट पे आ चुका है। तो भाई फटाफट मैं इस बाइक को भी कर देता, स्कूटर को कर देता हूँ यहाँ पर पार्क। वैसे पाकिस्तान का हो चुका है जाकर 5 पॉइंट एंड इंडिया का ऑलरेडी भाई यहाँ पर 6 पॉइंट है। तो भाई लेते अपना नेक्स्ट गाड़ी। ऑलराइट, तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे इंडिया की तरफ से अपना मारुति सुजुकी डिजायर, जो कि अपना एक सेडान गाड़ी है। ओ भाई अभी गिरते बचा यार, खतरनाक वाला। फिलहाल यहाँ पर अपना गाड़ी लेट्स गो फुल पावर जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस भाई विनर लिस्ट पे आ जा। एंड फाइनली बॉयज अपना मारुति सुजुकी डिजायर भी विनर लिस्ट पे आ चुका है एंड फाइनली इंडिया का हो चुका है 7 पॉइंट। लेते भाई अपना नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। ऑलराइट, तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के तरफ से गाइस पाकिस्तानी टोयोटा हिलक्स 4x4 पिकअप ट्रक को। तो बॉयज फटाफट अपना पिकअप ट्रक को भी ले चलते हैं, देख लेते हैं भाई पिकअप ट्रक का परफॉर्मेंस एक बार कैसा रहेगा यहाँ पर, लेट्स गो। खतरनाक जा रहा था वो, खतरनाक स्टंट के साथ अपना, ओ भाई मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ यार, बच गया, ब्रेकिंग सही है बाइक का कार का। एंड इधर पे फाइनली गाइस पाकिस्तान का हो चुका है अभी जाकर 6 पॉइंट। तो इसको भी कर देते भाई लोग पार्क, लेते गाइस अपना नेक्स्ट कोई गाड़ी। ऑलराइट, तो बॉयज अभी हम लोग इंडिया की तरफ से लेके चल रहे अपने इंडियन स्कूटर, जो कि अपने पास है यहाँ पर एक्टिवा। तो बॉयज देख लेते यहाँ पर एक्टिवा का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, फुल पावर आप लोग देख सकते हो, गाड़ी जा रही है कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड ओ वो भाई गिरते बच रहे हैं हम लोग, देखो कितना भाई साइड से हम लोग जा रहे हैं। ओके एंड फाइनली बॉयज यहाँ पर अपना स्कूटर भी विनर लिस्ट पे आ चुका है एंड भाई ड्रिफ्ट के साथ गाड़ी हम लोग ने कर दिया है यहाँ पर पार्क एंड लेट्स गो भाई, लेते हैं अपना नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। ऑलराइट, तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के तरफ से भाई R1 एंड भाई कुछ साउंड नहीं आ रहा भाई गाड़ी का। ओ भाई 300 के स्पीड पे, ओ भाई लेकिन कुछ साउंड नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों यार, क्या ही मसला है इस गाड़ी के साथ। एंड लेट्स गो, तो गाइज फटाफट इस गाड़ी को भी कर देता हूँ भाई इधर पे पार्क एंड लेता हूँ गाइज अपना नेक्स्ट इंडियन कार। ऑलराइट, तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे इंडिया की तरफ से गाइज अपना इंडियन जंपिंग किंग कार, जो कि अपने पास है MG ग्लॉस्टर। तो बॉयज फटाफट अपने MG ग्लॉस्टर को भी ले चलते हैं एंड देख लेते हैं भाई MG ग्लॉस्टर का परफॉर्मेंस। ओ वो 323 के स्पीड पे ले ब्रेक भाई, गया पूरा भाई इस, ओ भाई ओ लिटरली, और एक बार इधर से क्रैश करते हैं। ओ शीशा वगैरह लेकिन टूट नहीं रहा, पीछे वाला शीशा पे डैमेज आया है लेकिन अभी भी नहीं टूटा। ओह भाई पीछे वाला शीशा नहीं टूट रहा भाई,
भाई पीछा वाला शीशा कैसे बना है कि शीशा टूट नहीं रहा? रुको, नहीं टूट रहा भाई पीछे वाला शीशा। भाई साहब इतना जोरदार मुक्का देने के बाद भी टूट नहीं रहा। भाई 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 शीशा में मतलब टूट के ही छोड़ूंगा भाई। भाई टूट जा भाई, टूट नहीं रहा शीशा। ओ रुक रुक रुक, तेरी भैंस की टांग ऐसी की तैसी। भाई ये शीशा टूटेगा नहीं क्या? ओ भाई मुझे गुस्सा आ रही है, मुझे गुस्सा आ रही है। भाई शीशा टूट जा। ओ नहीं यार नहीं हो रही है, नहीं हो रही है यार, लास्ट चांस नहीं होगा गाइस, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। भाई गुस्सा आ गया यार, बहुत ही अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी है भाई। अभी भाई देखो बंदूक से फोड़ेंगे, देखो इजीली टूट जाएगा। देखो नहीं भाई पीछे का शीशा ही नहीं टूट रहा भाई, बुलेट प्रूफ शीशा आई थिंक सो। ओके देखो ये सब शीशा टूट गया ना, देखो ये सब शीशा टूट चुका है लेकिन पीछे वाला शीशा नहीं टूट रहा, तो मतलब ये बुलेट प्रूफ है। चलो भाई लेते हैं। राइट तो भाई अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी जंपिंग किंग कार, जो कि अपने पास है गाइस आउटलैंडर। तो बॉयज अभी अपना आउटलैंडर का भी परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। फुल पावर गाइस जा रही है, एंड भाई क्या स्पीड है। ओ गया भाई, अरे बाप रे बाप, मैं अलग ही परफॉर्म किया यहाँ पर। तो लेते भाई निकल के आया ना भाई, अलग ही लेवल का परफॉर्म निकल के आया। खैर गाइस अभी हम लोग लेके चलेंगे इंडिया की तरफ से बॉयज अपना KTM RC390। तो बॉयज अभी देख लेते हैं अपना KTM RC390 का परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसा रहता है। फुल पावर आप लोग देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम खतरनाक वाला परफॉर्म के साथ अपना KTM RC390 एकदम हुईली मारते हुए। भाई ब्रेक लगा ले भाई, भाई ब्रेकिंग सही नहीं हो रहा यहाँ पर, अलग ही सीन चल रही है यहाँ पर। तो चलो मैं फटाफट सबसे पहले ना पाकिस्तान के वाला गाड़ी को हम लोग कर देंगे वहाँ पर पार्क, क्योंकि अपना गाड़ी यहाँ पर रहेगा तो भाई ऐसे ही क्रैश होता जाएगा आई थिंक सो। सो अभी मैं कर देता हूँ इसको इधर पे पार्क इजीली यार। अभी अपने मतलब KTM RC को भी कर देते हैं वहाँ पर पार्क। एंड भाई दौड़ते दौड़ते तो शाम हो जाएगा ना, नहीं होगा नहीं होगा, जंप लेंगे हम लोग, ऐसे जंप लेंगे गाइस, ऐसे जंप लेते लेते हम लोग जाएंगे। चलो 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 ये पुनीत सुपरस्टार ये। चलो गाइस इस गाड़ी को भी अभी कर देते हैं हम लोग इधर पे पार्क। एंड भाई बैक गियर पे कितना स्लो जा रही है यार, फिर भी 20 तो चला गया, बहुत ही सही। लेते भाई नेक्स्ट गाड़ी। अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी बाइक लेके चल रहे हैं, जो कि होंडा सिटी 75cc है। तो देख लेते हैं होंडा सिटी का परफॉर्मेंस। होंडा सिटी लेट्स गो, हुईली मारते हुए जा रही है। ओ भाई अगर हुईली नहीं छोड़ता ना गाड़ी यहाँ पर कंट्रोल पे नहीं आता। खैर अभी ब्रेकिंग देखेंगे। लो भाई साहब ब्रेकिंग पे तो सही नहीं हो रहा, मुझे लगा था ब्रेकिंग। देखो ब्रेकिंग अभी इसे क्या करूँगा ना, यहाँ पर देखो एक चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर हम लोग जब क्रॉस करेंगे ये वाला रेड मतलब इधर पे, जब भी हम लोग एंटर करेंगे अपना ये पर्पल कलर पे, इस कलर पे जो बोलते हो आप लोग, तो इस कलर पे हम लोग जब एंटर करेंगे तभी ब्रेक अप्लाई करेंगे, देखेंगे ब्रेक कौन सा गाड़ी का कैसा है। चलो अभी से देखेंगे। तो लेते भाई अपना नेक्स्ट गाड़ी। और राइट तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से बॉयज अपना इंडियन महिंद्रा थार 2021 मॉडल। भाई इस गाड़ी से लव है भाई इस गाड़ी से। एंड आप लोग देख सकते हो अपना महिंद्रा थार भाई क्या ही परफॉर्म कर रही है। ओ वो भाई, ओ भाई, ओ भाई साहब क्या परफॉर्म किया रे बाबा, भाई मजा आ गया देख के परफॉर्मेंस। चलो इसको भी इधर पे रख देते भाई लोग, लेते अपना नेक्स्ट गाड़ी। ऑल राइट तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से गाइस पाकिस्तानी जीप, जो कि अपने पास है बॉयज BJ40। तो बॉयज अभी देख लेते हैं BJ40 का परफॉर्मेंस कैसा रहता है इस वाले खतरनाक रैंप पे। फिलहाल भाई मुझे तो जितना तक लग रही है भाई अच्छा ही होगा, अभी देखते भाई कितना अच्छा होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ नहीं बोला जा सकता। चलो अभी ब्रेक को अप्लाई करेंगे। ओ भाई मैं कुछ देर पहले ही ब्रेक को अप्लाई कर दिया था, फिर भी यार अच्छा खासा ही है ब्रेकिंग सिस्टम। देखो मैं किधर से ब्रेक अप्लाई कर दिया यार, मतलब डर के मारे। चलो कोई नहीं गाइज अभी इसको कर देते यहाँ पर पार्क, एंड लेते गाइज अपना नेक्स्ट इंडियन ट्रैक्टर। नहीं बॉयज अभी भी अपने पास एक गाड़ी है जो कि अपना इंडियन बाइक है, अपना ड्यूक भाई, अपने ड्यूक के लिए चलते भाई लोग। देख लेते यहाँ पर ड्यूक का परफॉर्मेंस। फुल पावर भाई क्या जा रही है, अभी ब्रेक अप्लाई अभी भी नहीं करेंगे, अभी अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों का ना वो रेड वाले पे जब उतर रहे हैं ना तभी ब्रेक को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उधर से थोड़ा सा जंप ले रही है ना गाड़ी,
150 ऐसे दिक्कत बार बार हो रही है। सो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अपने बाइक को भी कर देते भाई लोग पार्क। ओके लेट्स गो, थोड़ा पीछे एंड ओके चलो सही है, अभी लेते हैं नेक्स्ट। तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से बॉयज निंजा ZX6R। तो बॉयज हमने निंजा ZX6R का भी परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं कैसा रहता है यहाँ पर। एंड भाई साहब भाई अभी से ब्रेक, ओ भाई फिर भी देखो अभी जाके ब्रेक लगा, मतलब उतना खतरनाक ब्रेक लगाना क्या बात भी भाई, अलग ही परफॉर्म अलग ही परफॉर्म। चलो इसको भी अभी हम लोग कर देते भाई लोग इधर पे पार्क एंड लेते अपना नेक्स्ट इंडियन ट्रैक्टर। राइट तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से बॉयज अपना इंडियन ट्रैक्टर को। तो बॉयज फटाफट देख लेते हैं इंडियन ट्रैक्टर जो कि अपना सिद्धू मूसेवाला पाजी का ट्रैक्टर है, आप लोग देख सकते हो HMT 5911 वही सेम कलर पे ही है भाई लोग। तो देख लेते हैं इस वाले ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। फुल पावर जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है एंड बहुत ही सही जा रही है फिलहाल। लेट्स गो एंड बहुत ही स्मूथ तरीके से यार यहाँ पर अपना ट्रैक्टर फाइनल लिस्ट पर आ चुका है। तो इसको भी भाई लोग इधर पे कर देते हैं पार्क एंड लेते हैं भाई अपना नेक्स्ट पाकिस्तानी ट्रैक्टर। सो लेट्स गो बॉयज अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से बॉयज पाकिस्तानी ट्रैक्टर। तो बॉयज देख लेते हैं, ओ भाई गिनना नहीं, चल 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 सही जा रही है सही जा रही है। देख लेते भाई पाकिस्तानी ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस, लेट्स गो कैसा रहता है कैसा रहेगा, क्या लगता है आप लोगों को कैसा रहेगा पाकिस्तानी ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस भाई। थोड़ा देखो मैं मज़े के लिए ऐसे ही ले चल रहा हूँ, फिर भी देखो क्या स्मूथ जा रही है यार। एंड वो भाई बच गया, हाँ हाँ चलो इसको भी इधर पे कर देते हैं यार पार्क एंड लेते हैं भाई अपना नेक्स्ट कोई गाड़ी। सो लेट्स गो। और राइट ऑफ वाइज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से अपना लास्ट गाड़ी जो कि अपने पास है भाई अपना लॉरी अपना ट्रक जो भी आप लोग कह सकते हो। एंड देख लेते हैं भाई यहाँ पर फुल ड्रिफ्ट मारते हुए, ओ भाई गिनना नहीं है, बच गया भाई। छः चक्का वाला है इसके कारण भाई देखो अभी ट्रक को ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऊपर से गाड़ी यहाँ पर देखो कितना भाई बेंड हो रही है भाई 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 200 को ऊपर रखना ही पड़ेगा। एंड फाइनली भाई ब्रेक लगा ले भाई, ट्रक है ना ब्रेक तो अच्छा खासा होगा ही होगा, मुझे पता ही था। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना ट्रक भी विनर लिस्ट पे आ चुका है, तो इसको भी रख देते यहाँ पर पार्क करते भाई लोग लेते अपना नेक्स्ट पाकिस्तानी ट्रक। और राइट तो बॉयज अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं अपना लास्ट पाकिस्तान की तरफ से भी भाई पाकिस्तानी गाड़ी जो कि अपने पास है पाकिस्तानी ट्रक। तो देख लेते हैं पाकिस्तानी ट्रक का परफॉर्मेंस, फुल पावर जा रही है पाकिस्तानी ट्रक भी, कोई भी दिक्कत नहीं है, स्मूथ ब्रो स्मूथ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। ओ भाई भाई एक मेरा गलती था। राइट तो बॉयज वापस हम लोग अपने पाकिस्तानी ट्रक को दे रहे हैं भाई रिट्राई, देख लेते हैं भाई यहाँ पर कैसा रहता है और एक बार परफॉर्मेंस। फुल पावर जा रही है नो डाउट, बहुत ही खतरनाक जा रही है बहुत ही स्मूथ। ओके लेट्स गो लेट्स गो, बहुत ही खतरनाक ब्रो। एंड फाइनल पॉइंट अभी यहाँ पर देख लेते हैं, फाइनल पॉइंट इंडिया का आप लोग को पता ही है, एक भी गाड़ी फेलियर लिस्ट पे नहीं आया तो भाई इंडिया का तो भाई मतलब कितना पॉइंट है भाई, जितना पॉइंट है देखते फिलहाल यहाँ पर काउंट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंडिया का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भाई साहब, पाकिस्तान का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इंडिया एक पॉइंट आ गया भाई गेम के अंदर, तो यहाँ पर इंडिया गेम के अंदर जीत जाता है। वैसे गेम है भाई रियल लाइफ से कोई भी कंपेयर मत करना बॉयज। आज के लिए वीडियो से भी नहीं था, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला भाई लोग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो पर, सो टाटा एंड बाय बाय बॉयज़।